हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू क्लास फर्स्ट टुडे वी रीड चैप्टर एटीन द अर्थ लिव ऑन अर्थ आवर अर्थ इज राउंड इन शेप अर्थ हैज़ वाटर एयर एंड लैंड ऑन इट द ग्रेटर पोर्शन ऑफ अर्थ इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो राउंड शेप की है कैसी शेप है उसकी राउंड शेप और अर्थ के ऊपर तीन चीज़ स्पेशली मिलती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है वो है एयर वाटर और लैंड बिना इन तीनों चीज़ों के हम जीवित नहीं रह सकते और यह हमारी अर्थ पर मिलती है और किसी प्लेनेट पे नहीं है अर्थ पर बहुत सारा पानी है और बचा हुआ लैंड है द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ए ग्लोब अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब भी कहते हैं लैंड वी लीव ऑन अर्थ द लैंड ऑन द अर्थ इज नॉट सेम एनी एवरीवेयर जो अर्थ पे लैंड है वो सब जगह एक जैसी नहीं है वो डिफरेंट टाइप्स की है जैसे कहीं वो फ्लैट है कहीं वो हिल्स में है कहीं माउंटेन है कहीं प्लेट्यू है कहीं पे वैलीज़ है कहीं डेजर्ट है मींस कहीं पे तो जो धरती है वो बिल्कुल प्लेन है कहीं पे उसको धरती को ऊंचा उठाया हुआ है और वो माउंटेन की शेप में आ जाती है ट्राइंगर शेप में तो इस तरह से लैंड डिफरेंट टाइप की है द लैंड ऑन द अर्थ इज़ नॉट सेम एनी वे द फ्लैट पोर्शन ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन जो फ्लैट पोर्शन होता है उसको हम प्लेन कहते हैं मोस्टली पीपल लिव ऑन प्लेन्स ज़्यादातर पीपल्स प्लेन एरिया पर रहते हैं क्योंकि फार्मर्स ग्रोवीट राइस फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा दिया सम पोर्शन ऑफ द लैंड राइजेस स्टीपली दिस फॉर्म ए हिल क्योंकि फार्मर्स को क्रॉप्स लगाने में प्लेन एरिया में बहुत ईजी रहता है तो ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया में यानी कि फ्लैट पोर्शन पर रहना पसंद करते हैं कुछ पोर्शन जो थोड़ा ऊंचा है उसको हम हिल कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ लैंड दैट राइज हाई अबो द सराउंडिंग लैंड फॉर्म्स माउंटेन जो हमारे आसपास की लैंड से थोड़ा ऊंचा है उसको हम माउंटेन कहते हैं माउंटेन राइज हायर देन हिल्स हिल्स से ज़्यादा ऊंचा होता है माउंटेन रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम माउंटेंस और रिवर्स माउंटेन से बहती हुई आती हैं और द लो लैंड लो लाइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स कॉल्ड वैली जो दो पहाड़ों के बीच की जगह होती है उसको हम वैली कहते हैं रिवर्स फ्लो थ्रू इट यहाँ से रिवर्स आती है देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है यहाँ पे इस साइड भी हिल है और इस साइड को भी हिल्स है जो बीच की जगह होती है उसको हम वैलीज कहते हैं यहाँ से जो पानी बहता हुआ आता है वो रिवर के रूप में लैंड के ऊपर आता है सम पोर्शन ऑफ लैंड आर ड्राई एंड बैरिन लैंड का कुछ पोर्शन बिल्कुल ड्राई होता है और बंजर होता है जिसे हम डेजर्ट कहते हैं सम डेजर्ट आर हॉट एंड सम आर कोल्ड कुछ डेजर्ट हॉट होते हैं तो कुछ कोल्ड होते हैं डेजर्ट्स आर कवर्ड विद सैन वाटर इज ऑलवेज स्केर्स इन द डेजर्ट वाटर की कमी होती है डेजर्ट में और वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम मिलते हैं द वाटर ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन रिवर लेक्स ओशियन सीज़, पोन्ट्स एंड वेल्स एक्सेट्रा ये जो नेम्स हैं पिक्चर्स दे रखी हैं ये आपके हैं वाटर के सोर्सेज यहाँ से हमें वाटर मिलता है पीने के लिए सो जस्ट रीड दिस चैप्टर एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑन अवर अर्थ चैप्टर एटीन थैंक यू